स्वागत करुच्छू आपको आईसीएस टीप्स रे मु प्रभात। तो देखो आज भिडियो आम डिस्कसन करवा मेन्सुरेसन गोटे क्लास को डिस्कसन करवा जोटा कि कालीर डेट रे आपण सीजीएल ODSS जो सीजीएल रो मेन एग्जाम होता तो से समस्त क्वेश्चन आसाला मैथ्र मेन्सुरेसन आप बहुत पिला डाउट रोच। आज जो भिड डिस्कसन कर पूरा तगड़ा लेवल 25 क्वेश्चन को डिस्कसन करेंगे। ये 25 क्वेश्चन जदि आप सीजीएल एग्जाम दे तो भल कथा जदि भी देना अकाउंटेंट एग्जाम तो निजी को आसेस्ट करते 25 आपत मार्क रखुं और क्वेश्चन लेवल को देखते कमी अच्छे जदि आप ODSS कौन सी भी एग्जाम प्रिपेरेसन करुँच क्वेश्चन आपको हेल्पफुल रण ODSS मैथ को अधिका इंपोर्टेंट दि जाऊँच। रिसेंट जो आपंकर अकाउंटेंट एग्जाम रही सहित आप अमीन एग्जाम रही अमीन एग्जाम मेन एग्जाम क्वेश्चन बहुत ही हेल्पफुल रही बड़ कही रखुचे डे नक चलत। आज फास्ट क्वेश्चन को डिस्कसन करवा। फास्ट क्वेश्चन कौन देखो ना तो पेरीमीटर ऑफ एन आइसोस्केल राइट एंगल ट्रायंगल इज 6 + 3√2 देन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। आप गोटे आइसोस्केल राइट एंगल ट्रायंगल दे आइसोस्केल अर्थ कौन ना जार दीटा बाहू समान होटा मुझे चित्र करुच्चे ए बी सी आप चित्र रहा तो मैंने ये जगह ए बी इक्वाल टू एस सी हे आस सी हूँ कौन आप कर्ण हाइपोटेन्यूस तो देखते गोटे राइट जो राइट एंगल ट्रायंगल आइसोस्केल राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेन्यूस कर्णर दैर्घ्य के जानते तार फॉर्मूला जदि मुझे गोटे बाहू को नेली ए यही भी हम आप ए तेल एटा के ए √2 होते यार पेरीमीटर के मत कहतु ना ए प्लस ए प्लस ए √2 तेल गिविन अच्छे के ए प्लस ए प्लस ए √2 मूल्य हूँ के 6√3 आप सिक्स प्लस 3√2 दे तो यही मुझे सिंप्लीफाए कले ए रूल्य केन पाइबे तेल मोर ए रूल्य केन होगा तेल यार एरिया के ट्रायंगल एरिया फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हाफ को हाफ रहा बेस हूँ आप हाइट भी हूँ ए तेज़ 3 × 3 दैट इज 4.5 ऑप्शन ए हो राइट आंसर। तापर देखिए कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन द अपोजिट पेयर्स ऑफ ए साइड ऑफ ए स्क्वायर आर इंक्रीज बाय 40% एंड 30% रेस्पेक्टिवली बाय व्हाट परसेंटेज ऑफ एरिया ऑफ रिजल्टिंग रेक्टेंगल एक्सीड बाय द एरिया ऑफ द स्क्वायर। देखो ए जगह कहले कि आपन गोटे गोटे स्क्वायर रही आर अपोजिट पेयर ए साइड दुटा को आप 40% बढ़ीगला ए साइड आउ ए साइड भी आप 30% बढ़ीगला तेल ओवरअल एरिया आपत बढ़ी ए टाइप क्वेश्चन करने गोटे फर्मूला कही दैट इज ए प्लस बी प्लस ए बी बाय 100 ये क्वेश्चन मुझे आपको बहुत थर कर ए रूल ए रूल्य हूँ के जगह 40 बी रूल्य हूँ के 30 प्लस 40 × 30/100 आर मूल्य के 70 × 4 = 12 तमें 82% आप एरिया कौन हम इनक्रीज हम ऑप्शन बी हो रहा राइट आंसर। जदि आपति वे न कले आउ किप करेंगे मुझे कहली कि एपट सैड थी 10 एपट सैड थी 10 एरिया के बर्तमान कहतु 100 एपट सैड आप 40% तार आर मूल्य के बर्तमान सपोज ए बी सी डी मुझे ना देदेली ए बी सैड आप 40% बढ़ीगला ए बी रूल्य के 14 आपंकर ए डी बर्तमान के 30% बढ़ी तेज़ ए डी रूल्य के 13 तेल एरिया के 14 × 13 13 × 12 2 रखने 5 13 × 13 = 18 तेल इनिशियली आप एरिया थी 100 फाइनाली एरिया होगा के 182 एरिया के बढ़ीगला 82% बढ़ीगला ऑप्शन बी हो रहा राइट आंसर। आपको जो वे दरकार से वे करूँ कि आंसर राइट आंसर बाहर दरकार। बर्तमान देखिए कि आपंकर नेक्स्ट क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन अच्छे पूरा एक्सलेंट लेवल क्वेश्चन रही ए रेक्टांगुलर कारपेट हाज एन एरिया अफ अ 60 cm² इट्स डायगोनल एंड लंगर साइड टुगेदर इक्वाल टू द 5 times अफ द सटर वॉल व्हाट इज द लेंथ अफ द कारपेट। आप गोटे कारपेट दे कारपेट लेंथ ब्रेथ अच्छी आप जानते यहाँ आप गोटे कारपेट दे हेला ये कारपेट रे कौन कौन कि लेंथ हम मैंने यार एरिया हूँ कैसे 60 cm² आर एरिया आपको देदेला एति एरिया पर आउ कौन कौन यार डायगोनल ए बी सी डी डायगोनल हूँ एसी एसी आउ बी सी मिसे कि ए बी रो 5 times ताहले कहिला कि व्हाट इज द लेंथ अफ द कारपेट तमें लेंथ आपन को पचारा के टाइप रो क्वेश्चन किपर करेंगे
आपको जदि आपे मुंड खटेबे जोटा कि रोचे आपण मैंने जानते हैं ट्रिपलेट रिलेटेड जमी तीन चार पाँच तमें दुईटाक मिसिकी एटा जदि आपण गोटे है समकोणी त्रिभुज ये दुई बाहर दैर्घ्यर वर्गर दैर्घ्य सामान मैंने ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर सेम तीन स्क्वायर प्लस चार स्क्वायर इक्वल टू पाँच स्क्वायर सेमती छः स्क्वायर प्लस आठ स्क्वायर इक्वल टू दस स्क्वायर सिमिलरली पाँच स्क्वायर प्लस बार स्क्वायर इक्वल टू तेरह स्क्वायर ये सब हूँ आपको ट्रिपलेट तो ट्रिपलेट को जब आप देखिए करेंगे आंसर विदिन फ्यू सेकेंड आपको बाहर थी तो षाठी को आपने फैक्टराइजेशन कले आपत गोटे बार आस गए पाँच आसूँ तो बार पाँच तेरह आपनटा हूँ आप ट्रिपलेट जाऊँ तो आम फर्मुला को अप्लाई करके देखिए कंडीशन सैटिस्फाई करूँ कि नहीं आपंकर एरिया तो बाहीगले षाठी कि लार्जर साइड हूँ पचीस और डायगोनाल हूँ तेरह मानने बार तेरह मिसी के आपंकर पचीस ये स्मलर साइड भी फाइव टाइम्स हो जाए तो ये मोर आंसर होगा विदिन फ्यू सेकेंड विदाउट पेन एंड पेपर किसी पिला कहे कि आप षाठी देखिए कहीदे कि आप आगुआ आंसर करके कहले कि आम एक्जाम करमी करमक रियल फर्मुला बता केमी आम कर देख क्वेश्चन जहाँ देखे तार अकॉर्डिंग टू कर क्वेश्चन आपको एरिया दे दीजिए षाठी तो मैंने एरिया हूँ आप लेंथ इंटू ब्रेथ तो लेंथ एल बी मूल्य होगा कहते आपन कहतु षाठी एल बी मूल्य होगा षाठी मत ये तापर यहाँ डायगोनाल को कौन नौ आप डी नौ डी प्लस एल मिसिक हूँ कहते आप मत कहतु ना फाइव बी डी प्लस एल मिसले हम आप फाइव बी मुझू फर्मुलार कौन जानी डी स्क्वायर इक्वाल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ताले डी रो मूल्य के जगह मत कहतु दिशा डी रो मूल्य हो फाइव बी माइनस एल तो डी जगार मुझे कौन पकेबी फाइव बी माइनस एल को पुट करदेवि ये जो देखिए डी स्क्वायर इक्वाल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो से जगह मुझे कौन करी फाइव बी माइनस एल रूल्य को पुट करदेवि ताल यहाँ होते आप फाइव बी माइनस एल रोल स्क्वायर इक्वाल टू के आप एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो आपको फर्मुला हिसाब से आने के आप पचीस बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस के टेन एल बी इक्वाल टू के ना आप एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एल स्क्वायर कटिगला आउ रहा के कहतु एपट को बी स्क्वायर आसिकी के चबीश बी स्क्वायर मूल्य होते आपणकर टेन एल बी चबीश एल स्क्वायर मूल्य के टेन एल बी तेल ये हम करवा कि चबीश बी स्क्वायर मूल्य के चबीश बी स्क्वायर मूल्य के जगह कहतु एल बी मूल्य षाठी आम एल बी मूल्य षाठी लिखीजे कौटे गोटे कहतु एल बी मूल्य षाठी तो षाठी पुट करदे आपड़ा छःशह तेल बी स्क्वायर मूल्य के जगह कहतु छःशह बै चबीश आपको सिंप्लीफाई कले आप आंसर के पचीस तेल बी रूल्य केपर पचीस रुट ओवर पाँच तेल ये मुझे बी पाइली के पाँच तेल एल के हम एल आउ बी मिसिक षाठी एल बी जदि पाँच एल के षाठी बै पाँच आप बार हो तो अप्सन बी हो रईट आंसर तो आपको जोटा सुइटेबल लगुच्छे से अकॉर्डिंग टू करते कितना आंसर बाहर अच्छे तापर देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देखो इफ द सर्कमफेरेंस एंड द एरिया ऑफ ए सर्कल न्यूमेरिकल इक्वल देन फाइंड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द डायमीटर देला कि आप सर्कल सर्कमफेरेंस तो सर्कल सर्कमफेरेंस फॉर्मूला होते आप टू पायर तो टू पायर मूल्य जी एरिया एरिया फॉर्मूला होते आप पायर स्क्वायर मूल्य से तेल ए जगार गोटे पाए कटिला गोटे आर कटिला तेल आर रूल्य जगार के टू होगा जदि रेडियस टू है डी के टू आर दैट इज फोर तो ऑप्शन बी हो राइट आंसर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इफ द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज डिक्रीज बाय 15% एंड व्हाट परसेंट ऑफ इट्स एरिया डिक्रीज जदि आप डायगोनल 15% डिक्रीज हो जाए एरिया आपत परसेंट डिक्रीज हो क्वेश्चन आपको पचार ये क्वेश्चन को आपण मैंने करेंगे किपर देखो यहीटा हूँ आप कौन गोटे कि गोटे वर्गचित्र है यहाँ हूँ तार डायगोनाल डायगोनाल आपंकर सैड रे रेसीो मैं सैड रूत्र कौन सैड रनेक्शन कौन रिलेसन कौन डायगोनाल साथी आप सैड र तो जदि आप सैड है ए डायगोनाल के रु टू हो डायगोनाल के रु टू हो जगह आउ गोटे जिनस मन रखिए जदि आप डायगोनल 15% डिक्रीज हो साइड भी कते परसेंट डिक्रीज हो 15% डिक्रीज होते यार साइड भी कते परसेंट आप डिक्रीज होगा कहतु 15% डिक्रीज होगा तेल एरिया के डिक्रीज हो रहा फर्मुला मुझे आपको कही ए प्लस बी प्लस ए बी बाय 100 ए प्लस बी प्लस ए बी बाय 100 कितना डिक्रीज हो रूल्य हूँ के जगह कहतु ना माइनस 15
बी रो मूल्य भी कहते कहतु ना माइनस पंदर प्लस माइनस पंदर इंटु माइनस पंदर बैशे आपको सिंप्लीफाए गले मोर आंसर के माइनस तीस प्लस 2.25 ताको सिंप्लीफाई कले आपन केते होबो माइनस 27.75 तो माइनस 27.75 ता अर्थ कोन डिक्रीज होउछ आपन कर एरिया तो एरिया केते डिक्रीज हला 27.75 आपन कर एरिया डिक्रीज हला तो 27.75 ऑप्शन सी हिच है रो राइट आंसर। तापर देखि आपन को नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मच इज द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट पॉसिबल स्क्वायर इनस्क्राइब इन ए सर्कल ऑफ अ यूनिट रेडियस कौन कहला कि आपन गोटे सर्कल भितर एटा हूँ आप सर्कल आर भितर आप कौन रही ना गोटे स्क्वायर रही आ भितर आप गोटे स्क्वायर रही है जो स्क्वायर एरिया के हाउ मच इज द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट पॉसिबल स्क्वायर इनस्क्राइब इन द सर्कल जदि कि सर्कल रेडियस के आपने वन ना सर्कल रेडियस को आम के ना वन ना तले एटा मन रखिबे कि जेतबेले एटा होच आपनकर कोन हिजो सर्कलर डायमीटर हिजो एटा होच आपनकर सर्कलर डायमीटर हला कि नै कहू ए कॉर्नर जॉइन करछे दैट इज सर्कलर डायमीटर हे गेल सर्कलर डायमीटर जे सी होच स्क्वायरर डायगोनल से ताले बर्तन देखंतु सर्कलर रेडियस हम जान छे 1 ताले एटा तार हिजो डायमीटर केते हिजो 2 हिजो तले ए 2 रो मूल्य होच कोन आपनकर मते कहंतु 2 रो मूल्य होच जो स्क्वायर रो से डायगोनल जदि स्क्वायर डायगोनल है 2 तेल यार बाहु के ना डायगोनल डी बाय रूट 2 तेल बाहु के रूट 2 होदी यार बाहु हो गला रूट 2 एरिया के यार बाहु हो गला बर्तमान के रूट 2 होगा तेल एरिया के रूट 2 स्क्वायर दैट इज 2 ऑप्शन सी हिज यार राइट आंसर। देन देखिवा कि आपनकर नेक्स्ट क्वेश्चन देछि कि द व्हील ऑफ ए साइकिल कवर 660 मीटर बाय मेकिंग 500 रिवोल्यूशन व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द व्हील तो गोटे जो साइकिल कौन करुँ 660 मीटर कवर करुँ 660 मीटर कवर करुँ जो 500 राउंड बुलुचे तले गोटे राउंड से केते मीटर कवर अप कर 660 बाय 500 गोटे राउंड से एति मीटर कवर अप कर कि नहीं कहतु आपको सिंप्लीफाई करवा गोटे शून कटिगला आपको आपंकर डायरेक्ट काट दिंतु 11 काट दिंतु ए 5 तो कटिवनी आपको सेंटीमीटर प्रकाश कर दिंतु 660 मीटर जी के 6 आती सेंटीमीटर बर्तमान दुईटा शून कटिगला 5 काट दिंतु 5 काटे 132 सेंटीमीटर ताल आपणकर गोटे राउंड रे साइकल चक के सेंटीमीटर कवर करुचे ना 132 सेंटीमीटर आपंकर कवर अप करुचे ता माने इनडायरेक्टली आपन को कहिला देखंतु एटा होच आपन गोटे चक मैं थोड़ा लिखिबा पई बा जगह नहीं ना टिके इरेज कर रखिबा ए जगह ता मु इरेज कर रखु देखंतु ओडे कथा ओडे एटा होच आपन गोटे छोटो चक एटा चक तो ये चकर डाइम ए जो ये चकर परिधि जेती के होबो से डिस्टेंस कवर अप करिवो गोटे राउंड रे गोटे थर बुले से डिस्टेंस कवर अप कर ये जो बाइसाइकल चक गोटे थे 132 मीटर कवर अप करुचे यार पेरीमीटर के इनडायरेक्टली मुझे 2 पायर मूल्य हूँ 132 2 पायर मूल्य हो गला 132 पायर मूल्य हूँ 22 बै 7 आपको सिंप्लीफाई गले 7 बै 22 इंटु 2 तले आर मूल्य के मतलब कहतु आर मूल्य हो गला आप 132 इंटु 7 बै 44 44 काट दिखाँ आप 4 काटे 3 हम 3 संता के 21 हो गल ताल जो चक्र रेडियस हो जाते 21 सेंटीमीटर जी चक्र रेडियस है 21 सेंटीमीटर डायमीटर के 42 सेंटीमीटर तो ऑप्शन सी हो रहा राइट आंसर। तापर देखिए कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द इन सर्कल एंड द सर्कमफेरेंस सर्कल ऑफ ए स्क्वायर देखो इन सर्कल कौन आउ सर्कम सर्कल हूँ कौन यहाँ हूँ आप गोटे व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द इन सर्कल एंड ए सर्कम सर्कल ऑफ ए स्क्वायर यहाँ हूँ आप गोटे स्क्वायर स्क्वायर भलसे कर यहाँ हूँ आप गोटे कौन कहतु कि स्क्वायर आ भितर आप गोटे सर्कल रोचे सर्कल टा पूरा टच कर गोटे सर्कल आप एवं बाहर आप गोटे सर्कल रोच
पचारा कि जो एस वन आस टू एरिया रेसीो के फास्ट देखो जो भितर जो सर्कल टी रही यार डायमिटर ये स्क्वायर साइड से सामान एवं जो बाहर जो सर्कल टी रही तार जो रहा कि आपंकर डायमिटर क्या साथ सामान रहा डायगोनाल साथ सामान रुस्ट कौन कर जो रहा कि एरिया सैड को ले जाए भितर जो रहा कि एस टू सर्कल एरिया के मत कहतु एस टू सर्कल एरिया के स्क्वायर हो मान ये आप सैड है यहाँ हूँ ए हम तेल एटा भी आपंकर ए हम जब यहाँ हूँ डायमिटर जब ए है सैड के ए बै टू हम तेल यार एरिया के बै टू रोल स्क्वायर पाए राय को काटि दौ कारण कटिज लास्ट को खाली मुझे लिखुच तार एरिया के बै टू रोल स्क्वायर रम जिते कौन कहली कि यहाँ तार डायगोनाल डायगोनाल फर्मूला के रूट टू हो डायगोनाल फर्मूला के आप ए रूट टू हो जब डायगोनाल हो ए रूट टू तेल एस वन ये जो डायगोनालटा ए रूट टू तार डायमिटर होते रेडियस के रूट टू बै टू रोल स्क्वायर हो देखिए इन सर्कल आपंकर सर्कम सर्कल तेल रेसीो के मत कहतु ए बै टू रोल स्क्वायर अनुपात ए रूट टू बै टू रोल स्क्वायर आपको सिंप्लीफाए गले ए बै फोर अनुपात टू ए स्क्वायर बै फोर सिंप्लीफाए गले ए स्क्वायर कटिज टू टू कटिक गले आपंकर रेसीो के एक अनुपात दुई हो जाए ते फोर फोर कटिगे आप आंसर के एक अनुपात दुई ऑप्शन ए हो राइट आंसर तापर देखिए कि आपंकर नेक्स्ट क्वेश्चन ए ओयर इज इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल रेडियस 35 सेंटीमीटर गोटे आपंकर ओयर टा सर्कुलर फॉर्म रही जहाँ कि रेडियस हूँ के 35 सेंटीमीटर इफ इट बेंड इनटू द शेप ऑफ ए रम्बस जदि एटा गोटे शेप ऑफ रम्बस दिया जाए तेल व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द रम्बस तेल से रम्बस प्रत्येक साइड दैर्घ्य के देखो यहाँ हूँ आपको गोटे ओयर अच्छी यहाँ को आप गोटे सर्कुलर टाइप रखा जा यार रेडियस दे दीजिए आपको 35 सेंटीमीटर दे दीजिए रेडियस जी रेडियस दे देला आपको 35 सेंटीमीटर तले यार सर्कमफेरेंस के टू पाए आर मूल्य हो 35 पायर मूल्य हो जाए आप कहते 22/7 कटाकटी करदे आप कहला यहाँ कहते 5×22×5 110 दुगुणे 220 तले यार सर्कमफेरेंस के 220 आम या गोटे रम्बस फॉर्मेशन करवा या नहीं आम कौन करवा गोटे रम्बस फॉर्मेशन करिबा एउने आमे ओटे रम्बस फॉर्मेशन कला त माने आर सर्कमफेरेंस जति कि रम्बस रो माने पेरिमीटर सेति कि रहिबो रम्बस रो पेरिमीटर होची कोन 4×बाहु तले 4×बाहु रो मूल्य होची केते आपनकर 220 तले ए रो मूल्य केते हिजो 220/4 हेले केते हिजो आपनकर 55 हे जाउची त 55 ऑप्शन ए हे छै राइट आंसर तापर देखियो नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्रायंगल दैट कैन बी इनस्क्राइब इन ए सेमी सर्कल ऑफ रेडियस आर गोटे सेमी सर्कल नवा यहाँ आप गोटे सेमी सर्कल ले डायमिटर हो डायमिटर यहाँ आर आ भर आप गोटे सर्कल गोटे आप ट्रायंगल इनस्क्राइब कर एरिया के पचारे मुझे गोटे हाइट आप ड्र कर रखुचे गोटे हाइट ड्र कर रखिले देखो यहाँ सब जानते कि जोटा भी आप गए कौन रोचे सेमी सर्कल भितर आप जो ट्राएंगल रोचे सब के रोज 90° हिसाब रो मुझे यू गोटे कौन कर 90° गोटे ड्र करदेली ये जो आंगेलटा हम कत डिग्री आप जानते तो 90° रहा हूँ रूल अच्छे आप गोटे बर्तमान देखो यहीटा है आप आर आर टू आर होगा यहाँ हूँ आप कहतु आर है यहाँ जदि ओ है वृत्तर केन्द्र यहाँ है सपोज ए यहाँ दौर बी यहाँ दौर मो सी ताले बी ए सी आप गोटे राइट एंगल ट्राएंगल रहा बी ए सी गोटे आप राइट एंगल ट्राएंगल रहा मन रखिथे बी ए सी सब राइट एंगल ट्राएंगल रहा सहित मुझे कौन कल कि ए को जॉइंट कर दी ए मूल्य आर रही एरिया फर्मूला हूँ कहते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ए जगह बेस देखिए कहते बेस है आर आर टू आर 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 के आप टू आर हो गला हाइट हूँ के आर गोटे आर गोटे टू कटिगला आर इंटू आर के आपर आर स्क्वायर तो आर स्क्वायर कौटा हो रईट आंसर ऑप्शन बी हो रईट आंसर
ତାକୁ ଇଠେଇନ କଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେପାରେଟ୍ କଲା ବେଳକୁ ସ୍ପେସ୍ ହେଉନି ନା, ଏଇଠି ମୁଁ କରୁଛି ହାଫ୍ ଇନ୍ଟୁ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବେସ୍ ହେଇଗଲା କେତେ, ଟୁ ଆର୍ ଇନ୍ଟୁ ଆର୍, ତ ଇଠେଇନ୍ ଗୋଟେ କଟିଲା, ଇଠେଇନ୍ ଟୁ କଟିଲା, ତାହେଲେ ଆର୍ ଆର୍ ହେଇଗଲା କେତେ, ଆର୍ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ ସ୍କୋୟାର୍, ଆର୍ ସ୍କୋୟାର୍ ହେଲେ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ହେର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏ କୋନ୍ ଆଣ୍ଡ ଏ ହେମିସ୍ପିୟର ହାଭ୍ ଏ ଇକ୍ୱାଲ ବେସ୍, ଡାଇମିଟର ଆଣ୍ଡ ଏ ଭଲ୍ୟୁମ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାରେ କହିଲେ କି ଆପଣ ଗୋଟେ କୋନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେମିସ୍ପିୟର କଥା ଦେଇଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ କୋନ୍, ଭୁଲ କଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ କୋନ୍, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେମିସ୍ପିୟର। ଗୋଟେ ଲେମ୍ବୁ ନେବେ, ଲେମ୍ବୁକୁ କାଟିଦେବେ, ମଝି ଯୋଡ଼ା ବାହାରିବ, ଦୁଇ ଫାଳ ଆପଣଙ୍କୁ ହେମିସ୍ପିୟର କହିବା ତାକୁ, ବୁଝିହେଲା ଏତିକି। ଏ କୋନ୍ ଆଣ୍ଡ ଏ ହେମିସ୍ପିୟର ହାବେ ଇକ୍ୱାଲ ବେସ୍, ତା ମାନେ ଆର ବେସ୍ ହେଉଛି ଯାହା, ଆର ବେସ୍ର ଡାଇମିଟର ହେଉଛି ସେଇଆ, ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଡାଇମିଟର ହେଉଛି କ'ଣ ସମାନ, ତା ମାନେ ଡାଇମିଟର ଯଦି ସମାନ, ରାଡିୟସ୍ ବି ସମାନ, ଆଣ୍ଡ ଏମାନଙ୍କ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ବି ସମାନ, ଆବେ ଇକ୍ୱାଲ ଭଲ୍ୟୁମ୍। ତାହେଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ କୋନ୍ର ଭଲ୍ୟୁମ୍ର ଫର୍ମୁଲା କେତେ, କୋନ୍ର ଭଲ୍ୟୁମ୍ର ଫର୍ମୁଲା ହେଉଛି କେତେ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଯଦି ତାର ହାଇଟ୍ ହେଇଗଲା 1/3 ପାଏ ଆର୍ ସ୍କୋୟାର ଏଚ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କୋନ୍ର ଭଲ୍ୟୁମ୍ର ଫର୍ମୁଲା। ଏବଂ ହେମିସ୍ପିୟର ଭଲ୍ୟୁମ୍ର ଫର୍ମୁଲା ହେଉଛି କେତେ, 2/3। ସ୍ପିୟର ଭଲ୍ୟୁମ୍ର ଫର୍ମୁଲା କେତେ, 4/3 ପାଏ ଆର୍ ସ୍କୋୟାର, ଏ ପାଏ ଆର୍ କ୍ୟୁ। ତାହେଲେ ଏ ଜାଗାରେ ହେମିସ୍ପିୟର ଫର୍ମୁଲା କେତେ ହେଇଯିବ, ହେମିସ୍ପିୟର ହେଉଛି ସ୍ପିୟର ଅଧା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ 2/3 ହେଇଯିବ। ସ୍ପିୟର ଫର୍ମୁଲା ହେଉଛି କେତେ ଆପଣଙ୍କର, 4/3 ପାଏ ଆର୍ କ୍ୟୁ, 4/3 ପାଏ ଆର୍ କ୍ୟୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି କାହାର ଫର୍ମୁଲା, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପିୟର ଫର୍ମୁଲା। ତାହେଲେ ହେମିସ୍ପିୟର କେତେ ହେଇଯିବ, 2/3 ପାଏ ଆର୍ କ୍ୟୁ। ତ ଏ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଥ୍ରୀ, ଏ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଥ୍ରୀ କଟିଲା, ଏ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ପାଏ, ଏ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ପାଏ କଟିଲା, ଏ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଆର୍, ଏ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ, ଏ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଆର୍ କଟି, ଦୁଇଟା ଆର୍ କଟିଲା, ଏ ଜାଗାରେ ଦୁଇଟା ଆର୍ କଟିଲା, ଆଉ ରହିଲା କେତେ କୁହନ୍ତୁ, ଏଚ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆର୍ ବୋଲି ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର, କେତେ ରହିଲା, ଏଚ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆର୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା। ଦେଇଛି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ରେସିଓ ଅଫ୍ ଦ ହାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଦ କୋନ୍, ତାହେଲେ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ରେସିଓ, ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଜାଗା ଟୁ ଆର୍ ରହିଲା ନା, ଟୁ ଆର୍ ରହିଲା, ଏ ଜାଗା ଟୁ ଆର୍ ରହିଲା ନା, ଦେଇଛି କି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ରେସିଓ ଅଫ୍ ଦ ହାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଦ କୋନ୍ ୱିଥ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ହେମିସ୍ପିୟର। ତାହେଲେ ହାଇଟ୍ ଆଉ ହେମିସ୍ପିୟର ରାଡିୟସ୍ର, ଦେଖନ୍ତୁ ହେମିସ୍ପିୟର ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ହାଇଟ୍ କହିବି, ହେମିସ୍ପିୟର ହାଇଟ୍ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିବା, ହେମିସ୍ପିୟର ହାଇଟ୍ ହିଁ ସେ ଆର ରାଡିୟସ୍ ସେଥିରେ ସମାନ, ହେମିସ୍ପିୟର ହାଇଟ୍ ଯା, ହେମିସ୍ପିୟର ରାଡିୟସ୍ ସେଇଆ। ତାହେଲେ ଏ ଜାଗାରେ ଏଚ୍ ବାଇ ଆର୍ ରେସିଓ କେତେ ହେଇଯାଉଛି, 2/1, ଆର୍ ଏପଟେ ଗୁଣା ହେଇଛି, ଏପଟକୁ ଆସିଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ହରା ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ଆନ୍ସର୍ କେତେ ହେଇଗଲା, 2/1। ତ 2/1 ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତାପରେ ଦେଖିବେ କି ଆପଣଙ୍କର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏବଂ ମୋତେ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁଠୁ ମଜା ଲାଗିଛେ ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୋ ମତରେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ କେତେ ଜଣ ଏହାର ଆନ୍ସର ଜାଣିଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆଗ ଜଣାନ୍ତୁ, 12 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ପାଇଁ, 12 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ଡେଫିନେଟଲି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏ ରିଭର ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କର 3 ମିଟର ଡିପ୍ ଦେଇଛି, 60 ମିଟର ୱାଇଡ଼ ଦେଇଛେ, ଇଜ୍ ଫ୍ଲୋଇଂ ଆଟ୍ ଦ ରେଟ୍ ଅଫ୍ 2.4 କିଲୋମିଟର ପର ଆୱାର, ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ୱାଟର ରନିଂ ଇନ୍ ଟୁ ଦ ସି ପର୍ ମିନିଟ। ତାହେଲେ ପ୍ରତି ମିନିଟରେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ୱାଟର ରନିଂ ରହୁଛି ସେଇଟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବେଶି କିଛି ନୁହଁ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କିଛି ନୁହଁ, ଓନ୍ଲି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟୁବୟଡ଼ର ଫର୍ମୁଲାକୁ ଯଦି ଜାଣିଥିବେ, କ୍ୟୁବୟଡ଼ର ଭଲ୍ୟୁମ୍କୁ ଯଦି ଜାଣିଥିବେ ସେଇଟା କରିପାରିବେ। ଏବେ କ'ଣ କ୍ୟୁବୟଡ଼, ଇଏ ତ ଏମିତି କ'ଣ ଦେଇଛି, କିଛି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଜାଗାରେ ଦେଇଛି କି ଗୋଟେ ରିଭର ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ଟାଇପ୍ର, ସପୋଜ୍ ମୁଁ କହିବି ରଖୁଛି ଏଇ ଟାଇପ୍ର, ମୁଁ ଟିକେ କରୁଛି ଭାବି ନେଲେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସପୋଜ୍ ଏଥିରେ ୱାଟର ରହିଛି, ଏଇଟା ୱାଇଡ଼ ହେଉଛି ଆପଣ କେତେ ମିଟର, 60 ମିଟର ଦେଇଦେଇଛି, ଡିପ୍ଟା ଦେଇଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କ 3 ମିଟର, ଏବଂ ପାଣି ଯେଉଁ ଫ୍ଲୋ କରୁଛି, ତା ମାନେ ପାଣି ଏଇଠୁ ଏମିତି ଯେଉଁ ଫ୍ଲୋ କରୁଛି, 2.4 କିଲୋମିଟର ପର ଆୱାର ସ୍ପିଡ଼ରେ ଫ୍ଲୋ କରୁଛି ପାଣିଟା, ତାହେଲେ ଦେଇଛି କି ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ରେ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ରେ ସେ କେତେ, ଏଇଠି ଯେଉଁ ପାଣି ଥିବ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ସେ କେତେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କଭର କରିବ ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ରେ ପାଣି କେତେ କେତେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କଭର କରୁଛି ସେଇଟା ଆମେ ବାହାର କରିବା, 2.4 ଇନ୍ଟୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ 1000, ଏଇଟା କିଲୋମିଟରକୁ ଲେଖିବା, 1000 କିଲୋମିଟର ବାଇ ଆୱାରକୁ ମିନିଟ୍ ହିସାବରେ କନଭର୍ଟ କଲେ 60 ମିନିଟ୍ ହେବ, ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଏ କରିବା, ଗୋଟେ ଶୂନ କଟିଲା, 6ରେ କାଟିଲେ 4, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ 40 ମିଟର, ତା ମାନେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ରେ ୱାଟର କେତେ ମିଟର କଭର କଲା, 40 ମିଟର କଭର ଅପ୍ କଲା। ତାହେଲେ 40 ମିଟର ଯଦି କଭର ଅପ୍ କରୁଛି, ଏଇଠି ଯେଉଁ ଲେନ୍ଥ ହେଇଗଲା କେତେ ଆପଣଙ୍କ 40 ମିଟର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ଭଲ୍ୟୁମ୍ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ,
बर्तमान कौन कहली यार वॉल्यूम बार कर दिखा किसी बार करना ना दैट इज 60 गुणन 40 गुणन 3 यार जो कहते हैं आप 6 × 24 72 7200 मीटर क्यू ऑप्शन डी है यार राइट आंसर। क्वेश्चन देखा भयंकर किंतु वास्तव में भयंकर क्वेश्चन नुटे देन देखिए आपंकर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन रही है और आप बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन रही है। ए सिलिंडर सर्कमफेरेंस क्लाइम इन ए स्फीयर, तो गोटे आपणकर कौन करुचे ना सिलिंडर भितर आप गोटे स्फीयर हो फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलिंडर टू दैट ऑफ द स्फीयर। तेल ए जगह पचार सिलिंडर जो रहा कि वॉल्यूम रेशियो और आपंकर स्फीयर वॉल्यूम रेशियोर केते रहिबो सेटा को आपन को फाइंड आउट करबा को पड़िबो। एटा भी आपन देखंतु से जेमति रिवर क्वेश्चन करथिली से जेमति तगड़ा लेवल क्वेश्चन थला ये भी बिल्कुल आपनकर एक्जाक्टली सेम लेवल क्वेश्चन रही छे एवं ये समस्त क्वेश्चन को आपन माने देखला पर लागो दिबो कि अरे एते ते हार्ड क्वेश्चन मे भी एग्जाम रे अपकमिंग एग्जाम रे भी एटा पैटर्न आसी पर बहुत थोर कहि रखु छी आपन को आरी भितर आपन गोटे कोन रहिछ गोटे स्फीयर रहिछ मा गोटे स्फीयर पर आकु कंसीडर करंतु एटा हो आपन गोटे स्फीयर हैला एटा हो आपन गोटे स्फीयर तो एई जो स्फीयर टा आपन को टच करछ कहा को सिलिंडर भितर आपन एटा अवस्थित करूछ एटा हो आपन कोन सिलिंडर हाइट एटा हो सिलिंडर कोन हाइट एवं एटा हो स्फीयर रेडियस फर्स्ट एती जिंस बुझेला म कोन कहिले एटा हो आपन स्फीयर जो रहले तार रेडियस सर एवं एटा हो आपन सिलिंडर हाइट आर डिस्टेंस भी कैसे रर रोटे जिनस मार्क कले जगार कि यो हाइटा हूँ एक्चुअली क्या साथी सामान ना ये स्पीयर डायमिटर से सामान तुम्हें यही पर्यटन दूरता आपत एक्चुअली यहाँ आहरी उपर को जीव यो स्पीयरटा देखो यही टाइप आपर स्पीयर रही टाइप आपर स्पीयरटा रही टाइप आपर स्पीयरटा र तेल यू जो रहा कि आपंकर आर डिस्टेंस आर एठ आर भी डिस्टेंस आर ये टोटल डिस्टेंस हूँ एच तेल मुझे लिखिपारि एच इक्वल टू आम डी एच को मुझे लिखिपारि आम के टू आर एच को लिखिपारि टू आर दे रेसीो कथा सिलिंडर वॉल्यूम्र फर्मूला कौन ना आपंकर पाए आर स्क्वायर एच एवं स्पीयर जो रहा कि वॉल्यूम्र फर्मूला कौन 4/3 पाए आर क्यू ए जगार आर ए जगार आर स्क्वायर गोटे कटिला तला गोटे रहा आम जानले एच इक्वल टू टू आर एच रूल्य क्या साथ सामान है आम जानले कि जगह टू आर साथ सामान रोचर तेल जदि टू आर है एच जगार मुझ टू आर को पुट करी तो आपको सिंप्लीफाए कर लिखिपारि जस्ट यही जगह लिखुचे तो यहाँ है आपंकर तीन उपर जीव हरी सिक्स पाए पाए कटिगला सिक्स आर बै 4 आर आपको टू रे काटिले देने 3 आर बै आपंकर टू र 3/2 हो जाए यार राइट आंसर। देखो ए जगह आहरी भी सिंप्लीफाई कले आर आर कटिज आपको टू रे काटिले 3 आपको टू रे काटिले 2 तेल 3:2 ऑप्शन डी हो जाए यार राइट आंसर। तापर देखिए कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड गोटे क्यूबॉइड टोटल सरफेस एरिया 8/6 सेंटीमीटर फाइंड द वॉल्यूम इफ इट्स डायमेंशन आर द प्रोपोर्शन टू 5:4:3 गोटे क्यूबॉइड रे टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला कौन 2 × LB प्लस BH प्लस LH यहाँ हूँ आप क्यूबॉइड रो टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला तो ए जगह 2 × 2 रहा LB यहाँ मन कर एक्स LB के 20x² यहाँ हूँ 5x यहाँ हूँ 4x यहाँ हूँ 3x तेल LB के मत कहतु मुझे लिखिदेज 5x यहाँ है आप 4x यहाँ हूँ 3x मनकर लेंथ है आपंकर 5x ब्रेथ है आपंकर 4x आउ हाइट है आपंकर 3x है तेल 2 LB के 20x² प्लस यहाँ के 12x² प्लस 15x² ताको सिंप्लीफाए कर लेते 20 × 12 आपंकर 47 है 94x² तेल 94x² मूल्य हूँ के आपंकर 8/4 6 तेल 94x² मूल्य हो गए आप 8/4 6 तेल एक्स स्क्वायर मूल्य के 8/4 6/94 आम करदे आपको सिंप्लीफाई करदे आप एक्स स्क्वायर मूल्य के 9 तेल एक्स रूल्य के आपन एक्स रूल्य के आपन तेल लेंथ के आप जगह कहतु लेंथ हो गला आप 15 गोटे 12 आ गोटे है 9 तेल 15 12 9 को मल्टीप्लाए कर दिखता आप आंसर आपन आसीज जोटा कि हूँ
आप्रक्सीमेट हो जाकर मैंने मो हिसाब नक कहे डिजिटल समय हिसाब से करे जोटा कि हूँ 1620 ऑप्शन सी हो रहा राइट आंसर। यापर देखिए कि आपक्स्ट क्वेश्चन देखो ये जगह मुझे ओनली फर्मूला कही रखी कारण आपको मुझे एक्सट्रा क्लास आपको पूरा मैप कर बुझेवाक पड़ो कारण ये जगह विदाउट फिगर आपड़े बुझे निजु गुंदला होते आउ ये जगह स्पेस भी ना मत करने गोटे फर्मूला अच्छे डायरेक्ट पूर्द फर्मूला गेट द आंसर जितेबले भी आप देखते यहाँ हूँ आप गोटे हेमिस्फीयर रहा हेमिस्फीयर भितर आप गोटे कौन रहा क्यूब रहा तेल क्यूब रहा यार जो एज कथ पचार यहाँ हूँ आप क्यूब रहा जो यार एज कथ पचार तार फर्मूला सब मन रखिथे रूट टू बै थ्री इंटु आर यहाँ तार फर्मूला मन रखी दे था मुझे जितेबले आप गोटे मॉक टेस्ट करी कि आप जो आरआई भी जो क्लास करी कि जितेबले भी क्लास करी आ नेक्स्ट क्लास मैथ क्लास कर क्वेश्चन को आप डिस्कसन करेंगे जितेबले मैथ क्लास आसवे क्वेश्चन मुझे आप डिस्कसन करेंगे तो आपको डायरेक्ट फर्मूला पुट करदे आप रूट सिक्स ऑप्शन बी हो रहा राइट आंसर रूट थ्री बै टू इंटु आर यहाँ हूँ आप कौन ना जितेबले गोटे हेमि स्पीयर भितर आप गोटे क्यूबटा इनस्क्राइब करपर दे द वॉल्यूम ऑफ टू सिमिलर पिरामिड आर इन द रेशियो 8:27 व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया तले से मानको सरफेस एरिया रेशियो आपंकर केते रहिबो जदी देखंतु आपंकर ए जे कार्ड देला कि वॉल्यूम देजी सरफेस एरिया केते हेबो वॉल्यूम हेले आपंकर गोटे पट साइड 2:3 आसी जिवो तले सरफेस एरिया केते जो 4:9 आसी जिवो तो 4:9 ऑप्शन बी हिचो हेरो राइट आंसर। देखिए कि आपंकर नेक्स्ट क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते कौन देखिए यहाँ आप फर्स्ट टर्म रिलेटेड देखे क्लास 10 रे ए रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन आप कोन ऑफ हाइट यहाँ एक्चुअली सीबीएसई कथा मुझे कहूँ आप भावन कि सीबीएसई रो देखिए कि आपंकर जिते भी मेन्सुरेसन चैप्टर रहा से प्रायत क्वेश्चन आसी इनस्क्राइब सर्कल ये गुड़ाक प्रायत से ही कॉपी पेस्ट है क्वेश्चन जदि आपंकर जो कौन आर डी शर्मा बुक रहा से देखिए तो से सब क्वेश्चन देखे है जितेबाला मुझे एक्चुअली क्लास 10th पिला पढ़ाऊँ तो से क्वेश्चन गुड़ा मुझे सब प्राक्ट भी करी तो ओवरअल टी मन अच्छे आपर डी शर्मा देखते प्राय क्वेश्चन भी आसी जाइए है देखते कौन देखिए ए कोन ऑफ हाइट ये आपटे मुझे कोन कर रखुचे फर्स्ट टर्म को ये क्वेश्चन पूरा बहुत सरल उपाय ट्राए कर बुझापी एटा हूँ आपंकर कोन आर हाइट देते सेमिटर हाइट देखिए आप 10 सेमिटर यहाँ हूँ हाइट एवं यूर दूरता देते सेमिटर मतलब कहते रेडियस 5 सेमिटर एवं पूरा हाफली कटा ही आपंकर पूरा हाफली काट दि जाए हाफली काट दिया सपोज आप हाफली काट आर हूँ एबी एबी मूल्य था 10 यो पॉइंट है सी तो एसी पॉइंट एसी मूल्य के मत कहु एसी मूल्य आप 5 हो एसी मूल्य के 5 हो क्लीयर है यू देखिए यूर दूरता के जानते ये बेस दूरता जीक हम आपको जीक कट कर रेडियस भी रेसीो कमिजी माने हाफली कट है तो सी डी मूल्य के सी डी मूल्य 5/2 ये जिनस आपले बर्तमान ये बड़ कोन आप देखा जा फर्स्ट टर्म कहे आम क्या बुझा कौ यो पोर्सन टाक देखो मो चित्र कौन कली यो पोर्सन आसला ये पोर्सन है पुणी ये पोर्सन यही पोर्सन को आम कौ फर्स्ट टर्म तेल फर्स्ट टर्म रहा वॉल्यूम केमी पाइबा ना होल वॉल्यूम होल कोन वॉल्यूम रो जो छोट कोन वॉल्यूम को फेड़ देबा तले आम फर्स्ट टर्म वॉल्यूम पाई तेल बर्तमान मत बड़ जो कोन रहा तार वॉल्यूम को फाइंड आउट कर वॉल्यूम फॉर्मूला हूँ कौन कोन 1/3 πr²h 1/3 πr²h यहाँ हूँ बड़ वॉल्यूम फॉर्मूला छोट वॉल्यूम छोट कोन छोट कोन को आसवा बर्तमान छोट कोन फॉर्मूला के 1/3 πr मूल्य के कहते जगह यहीटा हूँ आर तमें 5/2 स्क्वायर इंटु आर एच के कहतु एच हो रहा 5 कारण टोटालटा 10 थी यहाँ होते आप 5 ये मुझे फर्मूला पुट कर रखुचे बुझापी आपको इरेज कर रखुचे टिके स्पेस दरकार मत टे स्पेस ये क्वेश्चन कौन मत पर्सनाल स्पेस दरकार तो से मुझे वाइड एरिया नेबी देखो 1/3 कटिगला पाए पाए कटिगला जोटा कटार अच्छे मुझे आर मूल्य तले यहाँ हूँ कैपिटाल आर कैपिटाल आर मूल्य हूँ 5/25 रहा एच रूल्य 10 को 10 मुझे लिखिली तले रोज के 25/4 एवं यहाँ आपंकर 5/5 रहा आपको सिंप्लीफाई करदे आप आंसर के 25 डायरेक्ट लिखीदे 25 कटिगला 5/2 तले 4 अच्छे ऊपर गले के 8/1 तेल ये छोट कोन आ बड़ जो कोन रेसीो होते 8:1
ता माने बड़ कोन रो वॉल्यूम 8 हेले छोटो कोन रो वॉल्यूम होउछ 1 ताले फर्स्ट टर्म रो वॉल्यूम केते हो 7 ताले बड़ कोन आ फर्स्ट टर्म रो वॉल्यूम रो रेशियो केते हिजो 8 अनुपात 7 कारण टोटल ता होउछ आपन कर 8 सेतरो भागे पळेला आ जतक रहले से होउछ आपन छोटो भाग दैट इज 7 ताले 8 / 7 ऑप्शन डी हिजो हेर राइट आंसर तापर देखियो कि आपन नेक्स्ट क्वेश्चन द रेडियस ऑफ ए बेस ऑफ ए सिलेंडर एंड द कोन आर इन द रेशियो देखंतु सिलेंडर आउ आपन कर कोन रो रेडियस रेशियो होची 3 अनुपात 4 आउ से मान कर हाइट रेशियो होची केते 2 अनुपात 3 देन फाइंड देयर रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ताले से मान कर वॉल्यूम रो रेशियो केते होबो आपन को सेटा फाइंड आउट करबा को दै छे ए क्वेश्चन केमति करिवे तो फर्स्ट ए कोन रो ए फर्स्ट ए सिलेंडर रो वॉल्यूम रो फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच तापर देखिबे कि हमें कोन रो वॉल्यूम रो फार्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच पाई पाई कटि गला ए 3 ऊपर को जाकी गुणा हे जइबो आर देखंतु रेडियस होउछ केता आर 3 3 हेले केते हे जइबो 9 4 की 4 रहिला तळ रेडियस होउछ केता आपनकर टिके मु भूल लिखि देली देखंतु एटा होउछ आपनकर रेडियस रेशियो 3:4 एवं हाइट अनुपात 2:3 तले 9:2 रहइबो एवं आर हो केते आपनकर 16:3 हो कटाकटी करंतु 2 रे काटले 8 इठी गोटे 3 अछि आपनकर 3 काटले 3 कटि गेल आ रेस्ट रहिला केते आपनकर 9:8 ऑप्शन डी हिच वे राइट आंसर ऑप्शन डी हिच वे हर राइट आंसर देखंतु एट होउछि रेडियस एटा होउछि आर रेडियस एटा होउछि मु कैप आर1 दे दउछि आ को आर2 दे दउछि आर1 रो मूल्य होउछि 3 आर2 रो मूल्य होउछि केते 4 एच वन मूल्य हूँ 2 एच टू रूल्य हूँ 3 इटे आउ थे सिंप्लीफाए करन कि 3 रहा आर ओन रूल्य हूँ केन तीन स्क्वयर 9 हूँ कि एच वन मूल्य 2 कि 2 रहा हूँ देखते कि आपंकर आर टू रूल्य हूँ 4 4 स्क्वयर हूँ 16 एच टू रू मूल्य हूँ 3 कि 3 कि 3 रहा गोटे 3 गोटे 3 कटिगला 2 काटले 8 9/8 ऑप्शन डी हिच वायर राइट आंसर तापर देखिए कि आपंकर नेक्स्ट क्वेश्चन ए राइट ट्रायंगल विथ ए साइड 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड ए 5 सेंटीमीटर इज रिवॉल्व अराउंड इट्स 3 सेंटीमीटर कौन दे क्वेश्चन आपंकर एटा हूँ गोटे राइट एंगल ट्रायंगल देटा हूँ आपको गोटे राइट एंगल ट्रायंगल दे भल से रखुचे यहाँ हूँ आपटे राइट एंगल ट्रायंगल दे कौन करुचे कि आर जो रहा कि यहाँ हूँ आपंकर हम यहाँ हूँ आपन 3 सेंटीमीटर धर यहाँ 4 सेंटीमीटर यहाँ 5 सेंटीमीटर से कौन करुचे कि ये 3 सेंटीमीटर अराउंड रे रिवॉल्व करुचे तो 3 सेंटीमीटर अराउंड रे रिवॉल्व कला माने ये आपको ए टाइप रो गोटे कौन दबो कौन प्रोवाइड करियो ट्रायंगल को धरिक बुलाई दियंतु ट्रायंगल धरिले ताको राउंड कर दियंतु तले आपन ए टाइप रो गोटे वॉल्यूम टा देला तो पचला कि ए जो रहिले कि आपनकर कोन टा क्रिएट डला से कोन रो वॉल्यूम केते आपनको पचला तले बर्तन एथि निचर कोन फॉर्मेशन है चार रेडियस हे गला केते 4 हाइट हे गला केते 3 तले एरिया केते हे जीवो कोंतु 1/3 पाए आर स्क्वायर एच 1/3 पाए आर स्क्वायर एच आर मूल्य हो जाए कहते आपन 4 4 हेले 16 इठे ही रहला कहते एच रो मूल्य 3 1/3 पाए को पाए रहला 3 कटिगला ताले 16 पाए हे जो है रो राइट आंसर इठे 3 कटिगला पाए को पाए रहला ताले 16 पाए ऑप्शन ए हे जो है रो राइट आंसर तापर देखियो नेक्स्ट क्वेश्चन द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज न्यूमेरिकल इक्वल टू द सम ऑफ इट्स एज देखंतु कौन देला कि गोटे क्यूब रो वॉल्यूम तार एज रो जिते भी एज रहले समान को सम साथे इक्वल रहुचे व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया आपन को पचार छि बसे तो ए जगह रे मु लेखि परि वॉल्यूम ऑफ द क्यूब केते हिचो आपन को ए क्यू रो मूल्य होचि का साथे समान बार ए साथे समान त माने ए स्क्वायर रो मूल्य केते हिचो आपन को बार साथे समान टोटल सरफेस एरिया रो फार्मूला होचि केते 6a स्क्वायर तले 6a स्क्वायर रो मूल्य केते हिचो 12 × 6 तले 12 × 6 रो मूल्य केते होउछ आपन 72 ऑप्शन ए हिच वेर राइट आंसर ए पर देखियो कि आपन को नेक्स्ट क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन दे देखंतु द सम ऑफ 3 साइड ऑफ एन आइसोस्केल ट्रायंगल इज 20 गोटे आइसोस्केल ट्रायंगल रो तीनटा को साइड सम होउछ आपन 20 इफ द रेशियो ऑफ एन इक्वल साइड टू द बेस इज 3:4 देन द अल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल इज डैश ए जगह देला कि 3 आइसोस्केल ट्रायंगल तो आपन को गोटे आइसोस्केल ट्रायंगल आम करवाईटा से आपटा सामान इफ द रेशियो ऑफ एन इक्वल साइड टू द बेस तो यहाँ हूँ आप बेस यहाँ हूँ आपल साइड यहाँ आपन 3 यहाँ आप
चार यहाँ हम कि अटोमेटिक तीन हम तीन चार तीन 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 छः चार दस ता मैंने ए मानकर जो रहा कि साइड गुड़ाक रहा कौन कहली ये रहा कि गोटे ट्राएंगल रहा सपोज ए बी सी जो आप गोटे ट्राएंगल रहा यार तीन टाक साइड यथाक्रमे तीन चार तीन रेसीो रे कि बास्तव में तीन जन सम होते कोड़े तेल एबिर मूल्य के छः एसी मूल्य के छः बी सी मूल्य के कहतु आठ आपमी गले कारण यहीटा को नहीं जाऊँगी थ्री एक्स प्लस फोर एक्स प्लस थ्री एक्स मूल्य के आपतु कोड़े तेल टेन एक्स मूल्य होगा के कहतु कोड़े एक्स मूल्य के दुई तीन एक्स मूल्य के छः चार एक्स मूल्य आठ पुणी तीन एक्स मूल्य के छः बुझीपाले ये जिनस आपर हाइट कथ पचारा कि यार हाइट के हम देखु देन द अल्टीच्यूड अफ द ट्राएंगल अल्टीच्यूड हाइट आपंकर यू मुझे अल्टीच्यूड आप ड्र कौन यहाँ हूँ आपको अल्टीच्यूड रहा यहाँ है हाइट रहा यहीटा जब आप आठ रहा मैंने यही चार यहाँ चार रही है यही आपत कहतु तीन होगा ये आपत ठीक अच्छे ठीक अच्छे से कहीं से छः को छः रहा ये आपत अच्छी कहते मत एक चार रहा यहाँ है छाला है चार यार मूल्य केमें जाचे कि छर स्क्वयर माइनस चार स्क्वयर रुट ओवर तो छर स्क्वयर के छत्तीस चार स्क्वायर हो जाए आप षोह रुट ओवर दैट इज कोड़े रुट ओवर तो कोड़े रुट ओवर मूल्य के टू रुट फाइव तार अल्टीच्यूड मूल्य के टू रुट फाइव जोटा कि ऑप्शन डी हो रहा राइट आंसर देखो आज भिडियो में ओनली एक क्वेश्चन डिस्कसन आउ क्वेश्चन डिस्कसन कले आई थिंक आज भिडियो अपलोड करें तो समय टी अभाव अच्छी मुझे ट्राए करी कि नेक्स्ट क्लास आपंकर जो रहा कि मेन्सुरेसन सह आरीथमेटिक भी किसी क्लास को आपंकर किसी कोड़ी क्वेश्चन को आपने डिस्कसन कर अपलोड करदे रखी है आउ जहाँ भी क्वेश्चन रही है से सब को धीरे 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 आपने कम्प्लीट कर रखी जमीक आपंकर अपकमिंग जो अमीन एक्जाम रहा सहित आप जो एस सी डब्ल्यू एक्जाम रहा आकाउंटेंट एक्जाम रहा ये आप बहुत ही हेल्पफुल रही जदि भिडियोटे भल लगी भिडियो गोटे लाइक करूँ सामने सेयार करूँ आज जब फर्स्ट टाइम आपने माने आईसीएसटी को विजिट करते हैं काइंडली आईसीएसटी को सब्सक्राइब धन्यवाद।